स्टॉक है राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आइशर मोटर्स पर अपनी राय दीजिए, क्योंकि स्टॉक में आज पॉजिटिव मूव्स हम देख रहे हैं, ब्रोकरेज के बुलिश रडार पर हैं। हमने देखा सीएलएसई की एक रिपोर्ट आई जिसमें खरीदारी की राय बरकरार रखी गई है और यहां पर टारगेट्स 4154 के सुझाए जा रहे हैं। 3445 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। कल आइशर मोटर्स की एजीएम होने जा रही है, उससे ठीक पहले पॉजिटिव अप मूव्स स्टॉक में नजर आ रहे हैं, इस पर आपकी राय क्या होगी? काफी स्ट्रॉन्ग अपनी आज बना है आइशर मोटर में, और जिस तरीके से आज ओपन इंटरेस्ट लॉन्ग बिल्टअप के बनते हुए दिख रहे हैं, जिस तरीके से एडिशन हुआ है, हमें लगता है ये स्टॉक में बड़े टारगेट आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पे पोजिशनल टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें 3700-3800 तक के अपसाइड के। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि जिस तरीके से आज ये मोमेंटम में स्टॉक में आज प्राइस एक्शन बना है, इमीडिएट टारगेट तो इसके 3500 तक आते हुए दिख सकते हैं, लेकिन अगर इसको थोड़ा पोजिशनली होल्ड रखें तो हमें लग रहा है 3700-3800 तक की चाल भी यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो बाय ऑन डिप्स रखें ये इसमें स्ट्रेटेजी करंट लेवल से। अब स्टॉप लॉस हमारा जो है वो करीब है 3370 के आसपास, और हम ये स्टॉप लॉस से ये स्टॉक पे बाय व्यू रखेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने अपने क्लाइंट्स को भी यहाँ पे रिकमेंड किया है पोजिशनल बेसिस पे, और हम एक्सपेक्ट करें 3700 तक के टारगेट। ओके ठीक है। सीएलएसई की रिपोर्ट भी थी, जैसे मानसी सुबह आपको बता रही थी और अभी भी बता रही है, 4154 का टारगेट है मेरे को याद है। और दूसरा अभी आप ये कह रहे हैं कि 3700 तक भी आ सकता है, ठीक है। जब से नई बाइक आई है तो आइशर के तो दिन ही फिर गए हैं, ये तो खैर लगातार